बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से अबाउट 2500 साल पहले हमारे इसी इंडिया, इसी भारत की सरजमीन पर एक बेहतरीन पर्सनालिटी, एक दिग्गज, एक महापुरुष और एक सुपर गाइड, इनकी आमद हुई थी और इनका नाम था गौतम बुद्ध। हम सब इनकी लाइफ स्टोरी से आशना है कि किस तरह इनकी शुरुआत एक राजघराने में हुई थी, ये प्रिंस सिद्धार्थ थे, और किस तरह एक दिन इसी प्रिंस सिद्धार्थ ने अपने सारे कंफर्ट्स, सारी लज्जतों को त्याग दिया और अबाउट 6 साल की जिहाद, 6 साल की स्ट्राइविंग के बाद ये सिद्धार्थ से बुद्धा, द एनलाइटेंड वन बन गए। आज भी इनकी जो टीचिंग्स है वो कई किताबों के ज़रिए हम तक पहुंची है, क्योंकि बुद्धा बनने के बाद इन्होंने जो बाकी इनकी अबाउट 40 इयर्स की ज़िंदगी थी वो इंसानियत और ह्यूमैनिटी की अपलिफ्टमेंट में दे दी। आज मैं चाहता हूँ गौतम बुद्धा की जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग, हमारी औलाद की जो तरबियत है, उस पे उनकी जो टीचिंग्स है वो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल कि दीन इस्लाम गौतम बुद्धा को किस नज़रिए से देखता है, तो इसके जवाब में मैं आपके साथ दो इस्लामिक प्रिंसिपल्स शेयर करना चाहता हूँ। पहला जो इस्लामिक प्रिंसिपल है वो इस्लाम का ये जो प्राइमरी सोर्स है द होली कुरान, ये इसमें से है। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, जिसमें से सूरा नंबर 58 है सूरा मुजादिला। अब इसी सूरे की एक ट्रिविया आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो ये है कि इस सूरे की हर आयत में, यानी हर सेंटेंस या हर वर्स आप कह दें, हर वर्स में अल्लाह वर्ड आएगा। ओके, और इसी सूरा में वो पहला प्रिंसिपल है जहाँ अल्लाह सुबहान व तआला ने खुद कहा है कि जिसके पास इल्म है उसको आप ऑनर और एहतराम करो। जिस तरह आप अपने माँ बाप का एहतराम करते हो, तो वो इंसान जो तुम्हें एक वर्ड भी सिखा दे वो तुम्हारा टीचर बन गया और अब तुम्हें उसका एहतराम करना है। तो पहला उसूल ये है। दूसरा उसूल इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है, जहाँ उन्होंने कहा ये मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो वो क्या बोल रहा है। तो इन दोनों उसूल को जब आप अप्लाई करेंगे तो इस्लाम हमें सिखाता है कि गौतम बुद्धा तुम्हारे लिए एक टीचर है, और टीचर का तुम्हें सबसे पहले टीचर से सीखना है और इन रिटर्न उन्हें ऑनर करना है और उनका एहतराम करना है। ओके, अब आ जाते हैं चाइल्ड अपब्रिंगिंग पे। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इसीलिए खुद इस्लाम में कुरान मजीद ने हमें ऑर्डर दिया है सूरा नंबर 66 की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुबहान व तआला का ऑर्डर है, या अय्युहल्लदीना आमनु कु अनफुसुकुम व अहलिकुम नारन। अगर ईमान रखते हो, क्लेम करते हो कि तुम्हारे पास ईमान है, तो पहले अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों को तुम्हें बचाना है। नबी मोहम्मद ने तो ये भी कह दिया कि तुम्हारे बच्चे का राइट है कि उसे एक अच्छा नाम दो और उसे अच्छे मैनर्स दो। आज साइकोलॉजिस्ट और सेल्फ हेल्प हमें सिखाते हैं कि बच्चों को अगर सिखाना है ना, तो उन्हें ऑर्डर मत दो। ऑर्डर तो जानवरों को दिया जाता है, बच्चों को सिखाना है तो उन्हें गाइड करो, उन्हें एग्जाम्पल से सिखाओ। और यही चीज़ 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने हमें कही। गौतम बुद्धा के एक बेटे थे जिनका नाम था राहुला। अब गौतम बुद्धा सब त्याग चुके थे, राहुला को भी छोड़ गए थे, लेकिन जब राहुला 7 साल के थे तब गौतम बुद्धा वापस आए। अब इंटरेस्टिंग ये 7 साल है, क्यों पता है? क्योंकि इस्लाम ने सिखाया है कि 7 से लेके 14 तक ये वो एज है जहाँ आपको अपनी औलाद को अपने विंग्स के अंडर लेना है और उसकी डेवलपमेंट करनी है, उन्हें फैशन करना है। तो गौतम बुद्धा ने उसी एज पे राहुला को अपने अंडर ले लिया और कहा मैं तुम्हें बेस्ट गिफ्ट दूंगा, और वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट का। तो एक बार
गौतम बुद्ध ने देखा कि राहुला ने झूठ कहा, राहुला ने लाइस कही। अब आपको पता है झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। खुद इस्लाम में नबी मोहम्मद ने कहा है कि सारे बड़े गुनाहों की चाबी झूठ बोलना है, क्योंकि जो झूठ बोल सकता है वो सब दूसरे पाप कर सकता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने उस वक्त इमोशनली रिएक्ट नहीं किया, गौतम बुद्ध ने खुद को काम और कंपोज रखा। रात के वक्त हर रात राहुला गौतम बुद्ध के पैर दबाता और उनके पैर धोता था। अब जब राहुला ने पैर दबा दिया, एक छोटा सी वो बकेट लाया और अपने बाबा के पैर धो लिए, तो उस बकेट में थोड़ा सा पानी बच गया था। तो उस वक्त अब देखिए गौतम बुद्ध की स्टाइल देखिए, उस वक्त गौतम बुद्ध ने राहुला को एक सवाल किया कि बेटा एक बात बता, अब ये जो बचा हुआ पानी है इसकी कीमत क्या है? तो राहुला ने कहा, बाबा अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा है और ये यूजलेस है। तब गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि मेरे बच्चे, जो इंसान झूठ बोलता है ना, उसकी कीमत उसी पानी की तरह है। जिस तरह तुमने कहा कि ये बचा हुआ पानी यूजलेस है, ये अब ख़राब हो चुका है, उसी तरह जो झूठ बोलता है वो यूजलेस है और उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी रूह है, वो ख़राब हो चुकी है। अब ये एक बेहतरीन तरीका है कि किस तरह आप एग्जाम्पल के ज़रिए, और सही कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो, तो गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखा दिया। आखिर में गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक पेरेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर अपनी औलाद को सिखाना है तो वो खुद एग्जाम्पल बनके। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने यही कहा, टीच योर चिल्ड्रन बाय बीइंग साइलेंट, यानी उन्हें अपने एक्शंस के ज़रिए सिखाओ। तो अब वक्त हो गया है कि मैं साइलेंट हो जाऊं और हम सब एक्शंस करें। ये टीचिंग्स जो गौतम बुद्ध ने हमें दी है, आज हम हमारी लाइफ में लगाए, और कू अनफुसकुम, खुद को भी जहन्नम की आग से, उस नर्क की आग से बचाए, और वह अहलिकुम नारन, अपनी औलाद को भी उसी आग से बचा दे। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।